become their voice and ask, where is Sheikh Shah Jahan? Why would Mamata Bandyopadhyay allow a door-to-door search by TMC gundas so that young, married Hindu women could be identified and continuously raped? In Hindi now. पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा टीएमसी के गुंडों के बारे में, पाटीर लोक देखे जावे कौन बारीर बहु देखते सुंदर, टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को तुम्हें शामी होते पाड़ो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, जतक्षण तातेर मनटा ना भरबे ततक्षण तोमार रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी इनके इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका यह कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि यह शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है, आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ
आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। इस विषय पर आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं, उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है, मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए। गवर्नर क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछे कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा। सुजीत ठाकुर, आप संवैधानिक प्रक्रिया जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं संविधान का उल्लंघन करूं, वो मेरे लिए संभव नहीं है। देवेंद्र प्राशर, मैं इतना ही कहूंगी, नेवी वेटरन्स को जिस प्रकार से वापस लाया गया वो भारत सरकार के विशेष प्रयासों का एक नतीजा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षानुवर्ष, अगर आप उनके ऑपरेशन गंगा को देखें जिसमें यूक्रेन से 22,000 हिंदुस्तानी लौटे थे, सुदान में ऑपरेशन कावेरी में 2,500 लोग लौटे थे हिंदुस्तान, नेपाल के अर्थक्वेक में 5,000 हिंदुस्तानी फंसे थे, ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से वो लौटे, वंदे भारत में आपने देखा कोविड के वक्त लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी घर लौटे। तो घर वापसी और राष्ट्र के साथ साथ विश्व भर में हिंदुस्तानी कहीं भी रहे उनके हितों का संरक्षण करना, ये नरेंद्र भाई की प्राथमिकता रही है। और कतर से जो लौटे हैं भारत, उन नेवी वेटरन्स का हम सब कृतज्ञता की भावना से स्वागत करते हैं और मोदी जी को भी आभार व्यक्त करते हैं। संदेश खाली के संदर्भ में किसी का सवाल है? जी,
এটা আমি কেন কি এখানে শুধু প্রেস কনফারেন্স করছি, দিল্লি থেকে কে যাবে ওখানে আমাদের উপযুক্ত লিডারশিপটা আছেই, কিন্তু আমি যে এখানে নিবেদনটা জানাতে চাচ্ছিলাম, আপনি কোন চ্যানেল থেকে? ঠিক আছে, আপনাকে আমি করবদ্ধ নিবেদন করছি, ওখানে বাংলায় তো করবেন কিন্তু নিশ্চিত হিন্দিতেও করবেন, কারণ কি বহু লোক এটা ভাবছে কি আমরা বাংলা বুঝতে পারি না, তাই দেশে কেউ জানতে পারবে না বাংলায় কি হচ্ছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।